साहित्य निधि में सुनिए हिंदी साहित्य के नामचीन लेखक काशीनाथ सिंह जी की लिखी हुई कहानी अपना रास्ता लो बाबा। जिस समय देवनाथ मेवालाल की पान की दुकान पर विल्स फिल्टर्ड का पैकेट खरीद रहे थे, उसी समय बगल वाली दुकान से एक आवाज़ सुनाई पड़ी जो उस गली का नाम पूछ रही थी जिसमें वे रहते थे। हालांकि उस गली में अकेले वही नहीं रहते थे, सैकड़ों लोग रहते थे। पूछने वाला आदमी कहीं भी किसी के भी घर जा सकता था, लेकिन आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। कौतूहल के बावजूद वे उस तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा सके, चेहरा दूसरी ओर घुमाए रहे। उन्होंने झटपट घर तक पहुंचने वाला वो सकरा रास्ता पकड़ा जो आम नहीं था। जाड़े में सूरज ढलते ढलते ही शाम गिरने लगती है और ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। घर में घुसने के पहले उन्होंने देख लिया कि अंदर वाले कमरे में उनके दोनों बच्चे हंगामा मचाए हुए हैं और पत्नी आशा इस धमा चौकड़ी पर सौ जान से निछावर हुई जा रही है। वे थोड़ी हड़बड़ी में थे। उन्होंने बच्चों को डांटा और ऊपर भगाया। आशा से बताया कि सिर दर्द से फटा जा रहा है और आराम करने जा रहा हूँ, कोई आए तो बोल देना बीमार हैं। उन्होंने हिदायत दी, और देखो नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं, जंगले से ही बोलना। आशा घबराई, उसने उनका माथा छुआ, थोड़ा जलता हुआ सा लगा। उसे परेशानी इस बात से हुई कि अभी अभी सिगरेट लिए बाहर निकलने से पहले तो एकदम ठीक ठाक थे। उसने माथे पर तेल दाबने का आग्रह किया, लेकिन देवनाथ उखड़ गए, जितना कहते हैं उतना ही सुना करो। वो मन मारे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उन्होंने दरवाज़ा उड़काया, रजाई खींची और मुंह ढककर लेट गए। सेमल की रुई वाली तकिया के बीचों बीच सिर दबाया ताकि अगल बगल के हिस्से उठ जाएं और उनके दोनों कान ढक जाएं। फिर अचानक रजाई फेंक कर और सीढ़ियों पर दौड़े। ये मत कहना कि बीमार हैं, कहना कि बाहर गए हैं, आउट ऑफ स्टेशन। अपनी ओर से पूरा एहतियात बरत कर वे नीचे आए और पहले की तरह लेट गए। उनका ध्यान बार बार खतरे पर केंद्रित हो रहा था और वे बार बार दिमाग को उधर से भगा रहे थे और किसी ऐसी बात पर स्थिर होना चाहते थे जो रोचक भी हो और लाभदायक भी, इससे नींद आने में सहूलियत होगी। उन्होंने सोचा और कोशिश करके वो बिंदु पकड़ लिया। मानस नगर में वे जो बंगला बनवाएंगे उसमें चार दीवारी के चारों कोनों पर अशोक के पेड़ होंगे, सामने खूबसूरत सा लॉन होगा और अतिथि कक्ष इतना सुसज्जित और भव्य होगा कि कमिश्नर साहब सर्किट हाउस में ठहरने के बजाय यहीं रुकना पसंद करें। उस समय तक वे भी ए क्लास में पहुंच गए रहेंगे और उन्हें आने में आपत्ति ना होगी। अतिथि कक्ष का नक्शा कैसा हो ये सोचते हुए उन्होंने मसूरी और नैनीताल के कुछ कॉटेजों को याद करना शुरू किया। इसी बीच बाहर कुछ हलचल की आहट मिली और आशा ने दरवाज़ा खोल दिया। सुनो, इस चौक में आसपास देवू नाम का कोई किराएदार तो नहीं है ना? उन्होंने पत्नी की ओर ताकते हुए अपना माथा ठोका। मैं कब से मकान मालकिन से कह रही हूँ कि कोई बूढ़ा देहाती जिद कर रहा है कि नहीं यही है, आशा ने सफाई दी। देवनाथ उठकर बैठ गए, रजाई एक किनारे की ओर पांव चप्पल में घुसेड़ा। उन्हें पत्नी की बुद्धि पर तरस आया और सोचा समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, लेकिन वे गुस्से में बगैर उससे बोले ड्राइंग रूम पार करते हुए बाहर आ गए। अरे बेचू बाबा, वे आंखें मलते हुए दरवाजे पर खड़े थे, कहाँ से चले आ रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं हुई? बेचू बाबा के सिर पर गगरा था। उन्होंने हाँफते हुए उसे उतारा, हाथ में उठाए ड्राइंग रूम में दाखिल हुए और लाठी एक कोने में खड़ी की, फिर भेड़ के ऊन वाला कंबल सोफे की बाह पर रखा, पगड़ी खोली और चेहरे को छिपाए दाढ़ी मूछों के झाड़ को उसके किनारे से रगड़ा और कमरे के चारों तरफ ऊपर नीचे नज़र डाली। अंत में शीशा मढ़े मेज की दूसरी तरफ कालीन बिछे तख्त पर देवनाथ की ओर देखते हुए आँखें मिचमिचा कर मुस्कुराए। कुछ देर चुपचाप मुस्कुराते रहने के बाद उठकर उनके पास पहुँचे और दोनों हथेलियों से सिर, जबड़े, कंधे, बाहें, घुटने टटोल कर दबा कर छू कर देखा। फिर अपनी आंखें उनके चेहरे के पास ले गए और फपक पड़े। बचवा देव तू ही है ना, सपना हो गया तू? अरे अपना गांव घर है, बाप दादा की निशानी है, कोई दूर भी नहीं गया है, कभी कभी तो आया कर, काम वही देगा, घूम फिर कर वहीं आएगा, बताए देते हैं। बाबा अपनी आदत के मुताबिक इस तरह चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे जैसे देवनाथ बहरे हों। अब तक देवनाथ के दोनों बच्चे दरवाजे पर खड़े हो गए थे और कौतूहल और डर से बाबा को देख रहे थे। वे उन्हें देखते फिर एक दूसरे की ओर ताकने लगते। दरवाजे पर बच्चों के खड़ा होने से ड्राइंग रूम में कुछ अंधेरा जैसा हो गया था जिसका आभास बाबा को मिल गया
उन्होंने देवनाथ से पूछा, अपने ही पोते हैं ना? देवनाथ ने जैसे ही इसे हिलाया, बाबा हाथ बढ़ाए खड़े हो गए। उन्होंने लपकते हुए छाती पर हाथ रखकर अपना परिचय दिया, पहचानते हो बाबा को? बच्चे उन्हें आगे बढ़ते देख उल्टे पांव भागे। नहीं पहचानते, और पहचानेंगे भी कैसे? वे देवनाथ को देखकर हंसने लगे और अपनी जगह आ बैठे। देखो कितने बड़े हो गए हैं सब, समय जाते देर नहीं लगती, जब इतने से थे तभी मैंने देखा था। देवनाथ ने हामी भरी, लेकिन उनकी हंसी में साथ नहीं दिया। वे उठे और अंदर गए, मेज पर गिलास और पानी से भरा जग रखा और कुछ लाने के लिए ऊपर चले गए। आशा गैस पर चाय बना रही थी और बच्चे उसके अगल बगल खड़े होकर उसे वो सारा कुछ सुना रहे थे जो नीचे देख कर गए थे। छोटा उसका गाउन खींच खींच कर कुछ अचंभे की बातें बता रहा था। सिर्फ चाय से नहीं चलेगा, रसोई के दरवाजे पे खड़ा हो, देवनाथ बोले। आशा उनकी ओर मुड़ी, ये देहाती भुज कौन है जी? गाँव पर हमारे घर के बगल वाले नहीं हैं सुदामा, हमारे पट्टीदार, उन्हीं के बाप हैं, उन्होंने खुलासा किया। देव, बड़ा बच्चा धीरे से बोला और ताली पीटते हुए अंदर भागा। देवनाथ ने उसे दौड़ाने का अभिनय किया और सारे लोग एक साथ हंस पड़े। आशा गंभीर हो गई और कुछ देर सोचती हुई खड़ी रही। वो सोच रही थी चाय के सिवा की चीज़ के बारे में। उसे कुछ सूझ गया, वो रसोई से निकलकर पीछे वाले कमरे में गई, अटर पटर किया और तश्तरी में दो मिठाइयाँ रखकर आ गई। देवनाथ तश्तरी अपने नाक के पास ले गए और मुँह बनाया, ये तो मुकुड़ियाई हुई लग रही हैं और बहुत बदबू भी कर रही हैं, कब की हैं? पिछले हफ्ते तो अग्रवाल दे गया था, जाने कैसी भिजवाई कि किसी ने छुआ तक नहीं, महरी ले गई सब, बस यही दो रह गई थी उनके भाग से। उसने तश्तरी रख दी और चाय ढालने लगी। और कल जो श्यामलाल दे गया था? तुम तो खामखा एक ना एक खुचंग लगाते रहते हो, उनके लिए तो मिठाई ही बड़ी बात है, मिलती कहाँ होगी गाँव में? उसने तश्तरी के बगल में चाय भी रख दी। देवनाथ ने अपने भीतर बाबा के लिए हमदर्दी महसूस की। ये ठीक है कि उन्हें अच्छे खराब का पता नहीं चलेगा और पसंद आएगी, लेकिन जिस टोन में आशा ने कहा था उन्हें थोड़ा खल गया। उन्होंने चुपचाप प्याला और तश्तरी उठाई और नीचे आए। उन्होंने अपने ड्राइंग रूम की इस दुर्गत की कल्पना नहीं की थी। ये तो अच्छा हुआ था कि अभी थोड़े दिन पहले कालीन उठवा कर रखवा दिया था, वरना सब चौपट था। दरवाजे से लेकर मेज और सोफा तक का फर्श पानी में भीगा था। जाहिर था कि बाबा ने हाथ पैर धोए होंगे और कुल्ला किया होगा। उनकी लाठी तो कोने में खड़ी थी, लेकिन दूसरे सामानों के साथ वे अंदर वाले कमरे में चले गए थे। भीगे पैरों के निशान चौखट की ओर जाते दिखाई पड़े। गया सारा कुछ। उनके भीतर डर पैदा हुआ, उन्होंने आवाज़ दी, बाबा, और अंदर घुसे। बाबा उनकी पलंग पर लेटे हुए थे, उनके एक पैर पर दूसरा पैर था जिसके तलवे बेवाई से फटे और मिट्टी से सने थे। उन्होंने साफ सुथरे धुले चादर पर तीन चार गहरे मटमैले निशान देखे और उनका दिल बैठ गया। उन्हें बुरा तो बहुत लगा, लेकिन अफसोस अपने पर ही हुआ। अगर बाथरूम दिखाकर समझा दिया होता तो ऐसा ना होता, लेकिन उन्हें भी तो पूछ लेना चाहिए था, उन्होंने मन ही मन कहा। लीजिए चाय है, देवदत्त ने मेज पर तश्तरियाँ रखते हुए कहा। बाबा कराहते हुए उठे और एक मिठाई उठाकर उसे बड़े गौर से देखा, बचे हुए बगल के दांतों से कुटका। देवनाथ को देखते हुए सिर हिलाया और मुंह खोलकर अंदर फेंक दिया। बताओ, ऐसी चीज़ें देहात में कहाँ मयस्सर होती हैं? मिठाइयाँ ख़त्म करने के बाद उन्होंने चाय दो तीन बार फूंकी और ज़ोर से सुड़क ली। पहले घूंट में जीभ जल गई, उन्होंने जुड़ाने के लिए नीचे रख दिया। ये कोठा भी अपना ही है, उन्होंने उंगली से छत की ओर इशारा किया। फिर कमरे में दिखाई पड़ने वाली एक एक चीज़ के बारे में तफसील से पूछने लगे। फ़ोटो, पेंटिंग, मिट्टी और धातु की मूर्तियाँ, खिलौने, टू इन वन, कैसेट स्टैंड, ड्राइंग रूम में सोफ़ा, कालीन, वे पूछते जाते और छू छू कर देखते जाते। ज़्यादातर चीज़ें उनकी समझ में नहीं आ रही थीं, और कुछ थीं जिनका दाम सुनकर वे चौंक उठते और बताते कि इतने में तो एक बैल या भैंस या गन्ना पिराई की मशीन आ जाती। फ़ोटो दीवारों के ऊपर थे, इसलिए उन्हें लाठी के हूरे से छूकर पूछा। लेकिन सबसे अधिक हैरत उन्हें हुई फूलदान में रखे हुए पत्तियों समेत गुलाब के फूल को देखकर। ये कैसा फूल है जो इतने दिनों में ना सूखा है ना बढ़ा है और बिना खाद पानी के केवल पानी में हरा भरा है? देवनाथ उनके पीछे पीछे घूमते हुए झुंझला रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर खुश भी हो रहे थे कि बाबा जाकर घूम घूम कर देहात में उनके वैभव का ढिंढोरा पीटेंगे। ये प्लास्टिक का है, उन्होंने हंसते हुए ऊँची आवाज़ में बताया। तभी तो बाबा फूलदान समेत गुलाब नाक तक ले गए, उसकी पत्तियों और पंखुड़ियों को चुटकी में मसला और फिर उसकी जगह पर रख दिया।
खुश कर दिया बेटा। अरियात करियात में कमाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन तैने जैसा जुटाया है, तेरी जो इज्जत और शोहरत है भगवान करे बनी रहे। देवनाथ उनके पीछे खड़े होकर नम्र भाव से हथेलियाँ मींजते रहे। अच्छा ये बता कि सब ससुराल से मिला था या खरीदा है? अच्छा ये बता कि ये सब ससुराल से मिला था या खरीदा है? उन्होंने फिर पलंग पर बैठते हुए जिज्ञासा की। इसके अलावा दो चार बातें और की, जिनमें उनकी तनख्वाह और ऊपरी आमदनी भी थी। पूछकर संतुष्ट होकर और अभिमान से छाती तान कर चाय गटक ली। फिर जालीदार खिड़की के पास खड़े हुए अंगूठे से दाई नाक दबाई और सांस खींच कर जोर से छिनका। बहुत खूब देऊ, बस एक गैया ही बाकी है, वो भी हो जाए तो लड़कों बच्चों के लिए गोरस की चिंता ही खत्म। बच्चों का ख्याल आते ही वे फिर बैठ गए। देवनाथ, जब मैं तेरे पास चलने को हुआ तभी विचार आया कि उससे तो कच्चा रस बड़ा अच्छा लगता था और सिवान में पड़े चाव और उल्लास से होरहा खाता घूमता था। अब उसे कहाँ मिलता होगा? लड़के हैं, बाले हैं, पतोह हैं, ये सब तरस जाते होंगे। शहर में सब कुछ है लेकिन ये सब तो नहीं है ना? सुदामा बड़बड़ाते रहे, लेकिन मैंने कहा, नहीं, जब हम बेटे के यहाँ जा रहे हैं तो ऐसे नहीं जाएंगे। खरपत से तखुआ नीम वाले खेत से मटर उखड़वाया, होरहा भुनवाया और कोलू आड़ से गगरे भर रस मंगवाया, ये देखो। उन्होंने गगरे के ऊपर झांकता आम का पल्लव बाहर निकाला और फर्श पर बूंदे टपकाते पत्तों समेत अंदर डाल दिया। और ये देखो, उन्होंने गमछे में बंधी झोली खोलनी ही शुरू की कि देवनाथ के प्राण सूखने लगे। उन्हें लगा कि अब वे मुट्ठी भर उठाकर ऊपर से नीचे गिराएंगे और सारा बिस्तर गंदगी से भर जाएगा, लेकिन बाबा ने दिखाकर बांध दिया। तो दयाओ कहाँ मैसर होता होगा सबको, उन्होंने अपनी बात ख़त्म की। देवनाथ फर्श पर फैली हुई बूंदों को देख रहे थे और सोच रहे थे, थोड़ी देर बाद यहाँ चींटियाँ और चींटे आएंगे, पूरी फर्श चिटचिट करने लगेगी और दोनों कमरे इस जाड़े में धुलवाए बगैर काम नहीं चलेगा। आप चले किस मतलब से हैं ये तो बताया नहीं, देवनाथ ने पूछा। मतलब? बाबा को ये सवाल बड़ा ही अटपटा लगा। वे कुछ देर घूरते रहे। तुम मुझसे मतलब पूछ रहा है? बाप किस मतलब से बेटे के यहाँ आता है? देवनाथ अपनी गलती पर हचकचाए। नहीं बाबा, मेरे पूछने का मतलब था कि किस लिए आए हैं। हाँ तो ऐसे पूछ, बाबा ने राहत की सांस ली। है ये बेटा कि अस्पताल में भर्ती होना है, जिस किसी अस्पताल में करवा दो, अब बर्दाश्त नहीं होता। कभी कभी ऐसा दर्द उठता है पेट में कि पूछो मत, गश आ जाता है। 3 साल हो गए लेकिन इधर जब चाहे तब होने लगता है। बाबा बोलते गए और देवनाथ मुंह लटकाए चुपचाप सुनते रहे। टट्टी के बारे में, पेशाब के बारे में, भूख के बारे में, घुटनों और रीढ़ के दर्द के बारे में, सांस फूलने के बारे में, और इन सब बातों से नतीजा निकलता था कि अस्पताल में भर्ती हुए बिना काम ना चलेगा। देवनाथ बड़े आदमी हैं, उनका इतना नाव गाँव है और सभी डॉक्टर हकीम उनके दोस्त मित्र होंगे। वे चाहेंगे तो भर्ती भी हो जाएंगे और दवा दारू का बंदोबस्त भी हो जाएगा। ऐसे उन्होंने गंजी नीचे से उठाई और धोती की मुर्री की ओर इशारा किया। चिंता ना करना, सुदामा की चोरी के कुछ रुपए बचा के रखे हैं मैंने, लेकिन ऐसा करो ये रस और होरहा पहले ऊपर पहुँचा जाओ, बच्चे जो रहे होंगे कि बाबा क्या लाए हैं। देवनाथ या तो सुन नहीं रहे थे या बड़े गौर से सुन रहे थे। वे गुमसुम फर्श की ओर ताक रहे थे जहाँ चीटियाँ कतारें बनाने में लग गई थीं। उनके माथे पर चिंता की रेखाएं थीं क्योंकि बाबा उन्हें कहीं से रोगी नज़र नहीं आ रहे थे। वे थोड़ी देर चुटकियों से अपनी भौहें मसलते रहे। चिंता क्यों करता है पागल, बाबा ने उठकर उनकी पीठ थपथपाई और बाँह पकड़कर खड़ा कर दिया। उठ दया। देवनाथ ने बत्ती जलाई और गगरा गमछा लेकर ऊपर चले। डाइनिंग हॉल में कुर्सियों पर बैठकर बच्चे किताब पढ़ रहे थे। गर्मी का मौसम था, एक पेड़ पर मैना बैठी थी। गगरा देखते हुए किताब कॉपी छोड़कर भागे। दोनों ने उसके भीतर एक साथ ही झांका कि बड़े ने हाथ डालकर उसके अंदर से लकड़ी निकाली तो आम का पल्लव नजर आया। दूसरे ने चिल्लाकर उसकी गर्दन पर चिपका गोबर दिखाया और दोनों ने मम्मी से कहा, देखो कहा था नाम ने, बुढ़वा देखने से गंदा लग रहा था। आशा कुर्सी पर बैठे बैठे सब्जी काट रही थी। उसकी नज़र बराबर देवनाथ पर थी जो दूसरे सिरे पर कुर्सी खींचकर बैठ गए थे और चुप थे। रात को ठहरेगा क्या, उसने पूछा। देवनाथ ने झल्ला कर कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि कह देना नहीं है, अब भोगो। अकल नहीं है क्या तुम्हें, शहर का होता तो लौट भी जाता, लेकिन ये लीपापोती मत करो। कह रहे थे कि चौक में कहीं अपने यहाँ का बुद्धू गोड़ रहता है, वहाँ भी जा सकते थे और हम ना मिलते तो कौन जाने चले ही जाते।
आशा चुप हो गई और आलू छीलने लगी। अस्पताल में भर्ती होने के लिए आए हैं, एक तो किसी तरह भर्ती कराओ, दूसरे देखभाल करो, दवा दारू खरीदो, डॉक्टर के कहे के मुताबिक खाना बनवा के पहुँचाओ। क्यों नहीं कह देते कि फुर्सत नहीं है मुझे? तुम्हें कुछ पता नहीं है गांव का, पिता के बड़े भाई हैं ये, सगे भाई, अभी 10 साल पहले अलग हुए थे, अपने बेटे से ज़्यादा मानते रहे हैं मुझे, ऐसे ही लौट जाएंगे तो लोग ताना मारेंगे। कहिए क्या हुआ ऑपरेशन का, किस हौसले से गए थे? अपना बेटा है, आकाश पाताल एक कर देगा, कुछ उठा नहीं रखेगा, समझा? अपने बेटे को क्यों नहीं लाए, आशा ने पूछा। सुदामा, सोचा होगा कि वो चला जाएगा तो खेती बर्बाद हो जाएगी, अकेला लड़का है, दूसरे वो इन्हें घास भी तो नहीं डालता, परवाही कहाँ है उसे इनकी। अरे रे, देवनाथ लपके, बच्चे गगरा घसीटकर मोरी के पास ले गए थे और सारा रस धुलका रहे थे, जब तक वे पकड़ते वो खाली हो चुका था, उठाकर उसे हिलाया तो मालूम हुआ एक आध लोटा बच गया है। उन्होंने बड़े का कान पकड़कर हटाया। जाने कैसा बदबू कर रहा था पापा, बड़े ने बताया। आशा बोली, छोड़ दो, सुबह महरी को दे देंगे। देवनाथ फिर माथा पकड़ कर बैठ गए, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। आशा भी गंभीर होकर चावल बीनने लगी थी, बीच बीच में नज़रें उठाती और उन्हें देख लेती। जब देवनाथ की आंखें उसकी आंखों से मिली तो गुनगुनाई, समझ लो तुम, इतना कह देती हूँ कि मुझसे रोज़ रोज़ का खाना नहीं बनेगा, यही है तो कोई नौकर रखो, चाहे जो करो, एक दो दिन की बात और है, बाबा या जो भी होंगे तुम्हारे होंगे, मेरे तो कुछ नहीं है, अपनी पतोहू लाएं, किराए का कमरा लें या धर्मशाला में रखें, बनवाएं खाएं, मैं ये सब लफड़ा नहीं पालती। बच्चे भी बुजुर्गों की तरह गाल पर हाथ रखे कुर्सियों पर चुपचाप बैठ गए थे और पापा मम्मी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जब एक बोलता तो वे बोलने वाले की ओर नहीं, सुनने वाले की ओर देखते और प्रतिक्रियाएँ समझने की कोशिश करते, लेकिन देवनाथ को देखकर नहीं लग रहा था कि उन्होंने आशा की बातें सुनी हों। वे सिगरेट पीते हुए कभी सिर खुजाते, कभी पिंडली। एक मुश्किल और है, अगर इन्हें भर्ती करवाया, तीमारदारी की, दवा की, खाना पहुंचाया और मान लो ठीक हो गए तो गांव जवार में घूम घूम कर कहते फिरेंगे, गुण गाएंगे, बड़ाई करेंगे और उसके बाद सारी ज़िंदगी भुगतो। जिसे भी जुकाम होगा, रोग के नाम पर शहर घूमने, हवा पानी बदलने, सरगस देखने आया करेगा, ऑपरेशन और मरने वालों की तो बात ही छोड़ो, वे अपने आप बोलते रहे। आशा मुंह फुलाए हुए उठी और गैस जलाकर अधहन रख दिया। देवनाथ ने सिगरेट फेंकी और नीचे चले। बाबा पलंग पर खराटे ले रहे थे, उनकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुली थीं और होंठ फुर्र फुर्र करते हुए सांस के साथ फड़क रहे थे। उनके होंठों के बाएं किनारे से लार बहकर तकिए को भिगो रही थी। सबसे भोंडी बात यह थी कि कमरे में जाने कहाँ से मक्खियाँ आ गई थीं और उनके चेहरे और गर्दन पर उड़ने लगी थीं। देवनाथ ने तुरंत अपना सूट पहना और टाई की गांठ ठीक की, बाबा को जगाया और बाहर आकर स्कूटर स्टार्ट करने लगे। उन्हें लाठी के साथ निकलते देखकर फिर उसे खड़ा कर दिया। इसकी ज़रूरत नहीं, डॉक्टर के यहाँ चल रहे हैं, राय बात करेंगे, उन्होंने ऊँचे स्वर में कहा और लाठी अंदर रख दी। वे जिस समय आशा से मशवरा कर रहे थे, उन्हें अपने दोस्त डॉक्टर गर्ग याद आ रहे थे, जो शहर के किनारे पर रहते थे और थोड़े दिन पहले किसी काम से इनके घर आए थे। पेट्रोल के खर्च की बात थी, वरना उनसे काम बन सकता था। उन्होंने छोटा मोटा मुँह छोड़ने का फैसला किया था और अब शहर के बीच से बाबा को उड़ाए लिए चले जा रहे थे। पीछे बैठे बाबा को डर भी लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था। वे देवनाथ की सीट का पिछुआ कसकर पकड़े हुए इस तरह तन गए थे जैसे रस्सी पकड़े हुए हैंगा पर खड़े हों। वे अगल बगल बत्तियों से जगमगाती हुई दुकानों को देख लेना चाहते थे, लेकिन मुश्किल ये पड़ रही थी कि बाएं देखते तो दाएं की दुकानें छूट जातीं और दाएं देखते तो बाएं की, और कभी कभी तो डर के मारे दोनों तरफ की दुकानें बिना देखे निकल जातीं। लेकिन भीड़ भड़ाके के बीच जिस बारीकी से देवनाथ स्कूटर निकाल रहे थे, बाबा उनके कौशल पर रीझ रीझ उठते थे और अनजाने कभी उनके मुंह से वाह फूट पड़ता और कभी हंसी। स्कूटर जब खुली सड़क से गुजरा तो उन्हें थोड़ी थोड़ी सेहरन महसूस होने लगी। उन्होंने पगड़ी खींचकर कान ढकना ही चाहा कि एक बड़ी इमारत के सामने वो खड़ा हो गया। उन्हें इस तरह उसका अचानक रुकना अच्छा नहीं लगा, लेकिन देवनाथ उसकी हैंडल पकड़े खड़े हो गए थे। बाबा के उतरने के ढंग से स्कूटर उलटते उलटते बचा। उसे गरियाते हुए वे ज़मीन पर खड़े हुए और दुकानों पर सरसरी नज़र डालते हुए देवनाथ के पीछे दवाखाने में घुसे। मरीजों की भीड़ देखकर उन्हें इत्मीनान हुआ कि देवनाथ कोई ऐसे वैसे डॉक्टर के पास नहीं लाया है।
जहाँ लोग बारी बारी से बुलाए जाने पर पर्दे के अंदर जा रहे थे, वहीं देवनाथ बिना किसी रोक टोक के बेखट के अंदर चले गए। इस बात पर बाबा ने चारों ओर देखा। उन्होंने अपने सामने बेंच पर बैठे मरीज से खुश होकर बताया, अपना बेटा है साहब है। बड़ी देर बाद ही एक आदमी सहारा देकर उन्हें भीतर ले गया। डॉक्टर की उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, फिर भी अनुभवी और काबिल लग रहा था। देवनाथ की तरह उसने भी उन्हें बाबा कहा और प्रेम से बातें शुरू की, देहात के बारे में, घर के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में। उन्होंने संदेह से देवनाथ को देखा, जैसे ये कैसा डॉक्टर है जो रोग के बारे में पूछ ही नहीं रहा है। लेकिन उसने धीरे धीरे, जब उनकी पलकें, पपोटे, जीभ, पीठ, छाती, घुटने, मशीन लगाकर औजार से ठोक ठोक कर देखना शुरू किया, तो उन्हें समझते देर नहीं लगी। उसने कई एक सवाल किए और इन्होंने सांसें ले लेकर विस्तार से बताए। उसके बाद वो एक और पर्दे के पीछे ले गया और पीठ के बल लिटाकर पेट इधर से उधर से दबाकर टट्टी, पेशाब, हाजमे और दर्द के किस्म के बारे में देर तक पूछता रहा। अंत में कपड़े ठीक करके बाहर जाने के लिए कहकर कुर्सी पर आ बैठा। उसने देवनाथ से अपना संदेह जाहिर किया, शायद आरंभिक स्टेज है, एक्सरे जांच वगैरह तो कराएं ही, बायोप्सी भी ज़रूरी है, चिंता की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। बाबा ने अंतिम वाक्य सुन लिया था और देवनाथ के बगल में खड़े हो गए, लेकिन तब तक अंग्रेजी में बातें होने लगी थी और उन दोनों की अड़वी तड़वी उनके पल्ले नहीं पड़ रही थी। बाबा को अपना मुंह जोते देखकर डॉक्टर ने कहा, देवनाथ जी को बता दिया है कि आपको कुछ नहीं है। गले में अटके आला, मेज़ और कमरे के दूसरे औजारों को देखते हुए कृतज्ञ भाव से बाबा ने हाथ जोड़े, भगवान आपको लंबी उम्र दे सरकार। कहने के तुरंत बाद ही वे शर्मा गए। स्कूटर पर बैठने के पहले देवनाथ से हंसते हुए बोले, तहसील की आदत है देव, जवान से सरकार निकल गया। डॉक्टर साहब नाराज़ तो नहीं होंगे? देवनाथ का जवाब स्कूटर की आवाज़ में खो गया। दोनों जब रवाना हुए तो बाबा खुशी से बिहक रहे थे। अब जान में जान आई है बेटा, संतोष हुआ है, लेकिन तू गमगीन क्यों है? देवनाथ गमगीन तो नहीं थे, चिंतित जरूर थे। वे जिस मुसीबत से बचने के लिए दौड़ धूप कर रहे थे वो उन्हें गले पड़ती हुई नज़र आ रही थी। ये तो था कि अस्पताल और जांच के बवाल को अपने सिर नहीं लेना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी था कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अच्छे हो सकते हैं, कोई पराये भी नहीं है, अलगा गुजारी ना होती तो सब एक ही तो थे। उन्हें परेशानी से बचने का एक दूसरा उपाय भी सूझ रहा था, लेकिन अड़चने वहाँ भी थीं। मान लो सुदामा से बताएं और अपने बड़प्पन का फ़ायदा उठाते हुए लापरवाही के लिए उसे डांटें तो भी वो बौड़म आदमी ठहरा, ले दे के यहीं पहुँचेगा और कौन जाने पूरा घर द्वार पटक जाए, फिर एक की जगह पूरी बारात संभालें, वो तो छोड़ के अपनी खेती बाड़ी देखने वापस लौट जाएगा और यहाँ मरूँ। फिलहाल के लिए उन्हें लगा कि चुप मार जाओ और इस बात की चर्चा कहीं किसी से मत करो। घर के आगे स्कूटर से उतरते हुए बाबा ने पूछा, डॉक्टर का पुर्जा तेरे पास है? इससे आपको मतलब? देवनाथ ने प्यार से बिगड़ते हुए कहा, आप खाना खाएं, मैं अभी आ रहा हूँ। बाजार चलते समय उनके दिमाग में जो दवाएं आई थीं उन्हें वे रास्ते में ही खरीद सकते थे, लेकिन बाबा पीछे पीछे लगे रहते और देखते कि कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। ऐसे तो पूछने पर कुछ भी बताने के लिए वो स्वतंत्र थे, साथ ही रास्ते में होने पर इतनी आसानी से मिलने वाली दवाओं के महत्व के बारे में उन्हें संदेह हो जाता। उन्होंने काफ़ी सोचने विचारने के बाद 3 पैसे वाली बी कॉम्प्लेक्स की 100 गोली, 5 पैसे वाली लिफ्ट 52 की 50 और ऐसे ही दर्द की 10 टिकियाँ ली। उन्हें अलग अलग शीशियों में रखवाया। उन्हें राहत मिली कि सारा मामला 10 रुपये के अंदर ही निपट गया। अब वे बाबा के सामने बैठकर थकी हुई लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और सांस फूलने के कारण चाहते हुए भी बोल नहीं पा रहे थे। बाबा खा पीकर कंबल ओढ़े अपनी गंजी खोपड़ी पर चंपी कर रहे थे और उन्हें देखकर सुख से मुस्कुरा रहे थे। गंध से ही देवनाथ को पता चल गया था कि यह तेल नहीं डेटॉल है जो उनके दाढ़ी बनाने के सामानों के बीच रखा हुआ था। बाबा को भी शक था क्योंकि वे बार बार हथेली का गाज देखते और उसे भी नाक के पास ले जाते। इस वक्त देवनाथ को उनकी हरकत देखकर ना गुस्सा आ रहा था और ना झुंझलाहट हो रही थी। वे सांस को सामान्य बनाने की कोशिश में लगे थे। ये हैं आपकी दवाएं। उन्होंने शीशियां बाबा के आगे रख दी, फिर एक एक करके बताना शुरू किया कि इन्हें कैसे कैसे और कब कब खाना है। बाबा ने शीशियों पर निगाह नहीं डाली, वे चुपचाप उन्हें देखते रहे। उनकी पकी हुई बरौनियाँ बिना हिले डुले पलकों के सिरों पर खड़ी रहीं। उनके होंठों से एक धीमी आवाज़ आई, तैने खाना खाया? अभी नहीं, खा लेंगे। बाबा ने पलके गिराए और उसे सकने लगे। अगहन कार्तिक से कहता आ रहा था सुदामा से कि चलो अस्पताल दिखा दो,
कोई एक दिन निकालो बस चले चलो, लेकिन उसे मौका नहीं। उसकी मेहर ऐसे ऐसे विंग बोलती है कि चौके से बगैर खाए उड़ जाना पड़ता है। आज ही जब रस लेके चला तो रोक लिया सुदामा ने, कहा कोस भर सिर पर गगरा लादे कैसे जाओगे। हमने कहा कि खरपत को लगा दो मोटर तक पहुंचा दे, तो बोला खाली नहीं है। उसके मन में तो चोर था कि इतने रस में जो ही दो चार पुड़िया गुड़ होता। उसकी मेहर से कहा कि थोड़ी खुरचन वाली भेली दे दो, होरहा के बाद क्या खा के पानी पिएगा, लेकिन बेटा अपना दुखड़ा रोए भी तो किसके आगे रोएं। वे कहते कहते फूट फूट कर रोने लगे। और एक तू है, जब हम चले थे तो सारा गांव मुझ पर हंस रहा था, समझ रहा था कि तू हमें भी पट्टी पढ़ा देगा, लेकिन तू है कि दिन भर से अपना हर्जा करके दौड़ रहा है, और वो भी किसके लिए, एक बार भी नहीं पूछा कि इतने की दवा कैसे आएगी। वे बोलते जा रहे थे और रोते जा रहे थे, नाक पोंछते जा रहे थे। जब छोटा था तो अपने कंधे पर बिठाए बिठाए खितवाही करता था, पूरे गांव घूमता था, बदाओं के मेले ले जाता था। हाँ, मारा था केवल एक बार, और बड़ी मार मारा था, पहना पहना, सो भी तेरे बाप के कारण। तब वो जिंदा था, उसने कह दिया कि भैया देवनाथ को खराब कर रहे हैं, और गलती तेरी भी थी। तैने औरों के बहकावे में आकर रात के बखत सोते अलगू को खटिया समेत उठाकर संवत में डाल दिया था। वे पूरे हाव भाव के साथ सुनाते हुए रोते रोते हंसने लगे। बस तेरी एक ही आदत खराब थी, कंधे पर बैठ के मूतने वाली, तू ससुर। वे वाक्य पूरा नहीं कर सके, हंसते रहे, हंसते ही रहे। फिर आँख नाक और जबड़ों पर उगी सफ़ेद भीगी खूंटियाँ पहुँच कर देवनाथ को अपने पास बुलाया। फैले हुए कंबल को खींचते हुए उन्हें इतना करीब बिठाया जितने से उनका हाथ सिर के बाल सहला सके। सिर और पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्होंने रहस्यपूर्ण ढंग से उनकी आंखों में झांका। डॉक्टर ने तुमसे भी बताया ना कि कहीं कुछ नहीं है ना? हाँ, तो आपने भी तो सुना। पहले तो देवनाथ उनके पूछने के तरीके से दहल गए थे, लेकिन तुरंत संभाल लिया। बस यही सुनना चाहता था। बाबा ने उनकी पीठ ठोंकी और खुश हो उठे। जा, अब खा के सो जा, कल तड़के ही चले जाएंगे। नहीं, कल कैसे जाएंगे, अभी अभी तो आए हैं। अरे अब हो गई ना तेरी वाली, जा जाके खा। वे धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए डाइनिंग हॉल के दरवाजे तक आए और खड़े हो गए। अंदर के कमरे में अंधेरा था, लेकिन कोई सोया नहीं था। आशा बच्चों को सुना रही थी बूढ़ों की खुराक और उनके चपर चपर खाने के ढंग और कमरे के गबाड़े के बारे में, और इस बारे में कि तुम्हारे पापा के गांव के लोग कितने फूहड़ और कितने गंवार और कितने मरभुक्के हैं, और बाप रे कितना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं रें रें करके। मम्मी पापा ने बाहर ताला लगा दिया होगा ना, किसी बच्चे ने जमुआते हुए धीमे स्वर में पूछा। फिर आशा और बच्चों की आवाज़ बंद हो गई, शायद उन्हें नींद आ रही हो। वे वहाँ कुछ देर और खड़े रहे। किचन दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उन्हें भूख नहीं थी। उनकी नज़र उस गगरे पर चली गई जो बाबा के सिर पर बस और पैदल 60-70 मील का फासला तय करके मोरी के पास पहुँचा था। वे भावुक हो गए, उनकी आँखें भीग आईं। वे दबे पाँव जंगले के पास आए और चौखट पर बैठ गए। बाहर जाड़े की ठंड और सन्नाटा था। उनकी आंखों के आगे ऊसर के बीच बसा अपना नन्हा सा प्यारा सा गांव उभर आया। वो बगीचा, वो होला पाती, वो चलबा, वो चिबिल्ली, आंधी में आमों की लूट, ईख के टोटों की बुआई, संवत के मुर्रा और छछूंदर, बाहे और धनकर गेड़ कर मछलियों की पकड़, डोरे में बांध कर जोलाहेल उखाड़ना, सिंघाड़े चुराना, तैराकी सीखने के लिए पोखर में भौरे पकड़ना, तब से आज कितने साल हो गए हैं, सारा कुछ यूं चुटकी बजाते बजाते हवा में खो गया है। वे भी इतने ही सरल और आसान रहे होंगे जितने कि बाबा, और बाबा अब जा रहे हैं, कल के लिए नहीं, हमेशा के लिए। वे उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन नहीं। उन्हें भूख महसूस होने लगी, लेकिन गगरे के कारण खाने की मेज़ पर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। उन्होंने सिगरेट जलाई और धुआँ छोड़ा। छोड़ो जी, चलो, उन्होंने अपने आप से कहा। वे उठ खड़े हुए और अपने चूतर झाड़ने लगे। सारी ज़िंदगी और सारी दुनिया और सारा ज़माना तुम्हारे सामने पड़ा है, और तुम एक बेमतलब के बूढ़े को लेकर मुँह लटकाए बैठे हो। अभी आप सुन रहे थे काशीनाथ सिंह जी की लिखी हुई कहानी अपना रास्ता लो बाबा।